में आसमानी बिजली ने तबाही मचा दी, जिससे 11 अफराद जा बहक हो गए। शहबाज शरीफ की जेर सदारत पार्टी का अहम इजलास जारी है, जिसमें जिली कमेटी के फैसले पर मुशावरत होगी। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ का कहना है, इसराइल हरीफ को शिकस्त देने की सबसे ज्यादा खुशी हुई। इस्लामाबाद में डॉक्टर ख्वाजा कहना है कि कुलभूषण केस में तमाम फैसले पाकिस्तानी कानून के मुताबिक होंगे। अंडियाला जेल जराय का कहना है कि 85 से ज्यादा बीमार कैदी जेल से बाहर अस्पताल मुंतकिल के मुंतजर हैं। चीन के सफीर याओसंग का कहना है कि खित्ते के ममालिक में बाहमी तिजारत और तआवुन को मजीद बढ़ाना होगा। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद ने कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि 35 साल में अपने लिए एक अस्पताल न बना सके तो गरीब का क्या हाल होगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और सूबे खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जलजिले के झटके, लोग घरों से बाहर निकल आए। मानसेरा में जमीयत उलमाए इस्लाम पे के कारकुनों ने शारा रेशम पर धरना दे दिया। शारा ब्लॉक होने से शुमाली इलाका जात में जाने वाले मुसाफिर परेशान हो गए। पाक फौज के तर्जमान ने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस पर आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद के लिए आर्मी एक्ट में तरमीम की खबरों को कयास आराया करार दे दिया। पाकिस्तान से वापस जाते हुए सनी देओल के पाकिस्तान के हक में बयान देने पर भारत में सनी देओल के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए, जबकि सनी देओल को फौरन भारत छोड़ के पाकिस्तान शिफ्ट होने की धमकियां भी दी जा रही है। मौलाना फजल रहमान ने धरना खत्म करके सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया।